हेलो दोस्तों, मैं शेफ़ अरुण, मैं एक इंडियन शेफ़ हूँ और मैं पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कुछ टॉप मोस्ट इंडियन रेस्टोरेंट के लिए काम किया है और करेंटली मैं ओवरसीज़ में एज ए हेड शेफ़ काम कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ और यूट्यूब के ज़रिए लोगों को कुछ बता सकूँ, अपनी रेसिपी शेयर कर सकूँ। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हैदराबादी चिकन बिरयानी। उसके लिए हमारे पास जो चिकन है, करीब 600 ग्राम चिकन है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। जो मैरिनेट करने के लिए जो हमारे पास मसाले हैं, उसमें हैं हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है आपका दही, ये है सैफ्रॉन, और हमारे पास कुछ फ्राई की हुई ऑनियन है, हरी मिर्च है, और धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। इसके अलावा हम कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास बिरयानी मसाला है। ये हम मिंट का पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं फ्लेवरिंग के लिए, और सॉल्ट है, देसी घी है, ऑयल है, और कुछ खड़े गरम मसाले हैं। सो सबसे पहले हम पेस्ट डालेंगे 4 टेबल स्पून चिकन के अंदर। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये धनिया का पाउडर, धनिया का पाउडर करीब करीब 2 टेबल टी स्पून। लाल मिर्ची पाउडर हम डालेंगे, ये भी 2 स्पून डालेंगे हम। जीरा पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून, और हल्दी का पाउडर भी डालेंगे हम करीब 1 टीस्पून है। अब हम गरम मसाला ले लें थोड़ा, इसमें हम गरम मसाला ले लेंगे करीब 2 टीस्पून। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले भी हैं। नमक करीब 1 टीस्पून डालेंगे क्योंकि नमक इसमें और पहले से मसालों में है। अब हम दही डालेंगे, दही करीब करीब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, 4 से 5 टेबल स्पून भर के डालेंगे दही। दही हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम डालेंगे खड़े गरम मसाले कुछ, इसमें थोड़ी सी दो चार चार पीस छोटी इलायची, करीब 4 पीस लौंग, कुछ तेज पत्ते, और इसके अलावा हम कुछ ऑल स्पाइसेस हैं, कुछ शाही जीरा है, कुछ दालचीनी आधी, और ये है जायफल है, सब एक साथ डाल देंगे। ऑयल करीब 2 टीस्पून। उसके बाद हम इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके कम से कम हम इसे 1 से 2 घंटे तक रखेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा, मीट ज़्यादा टेंडर होगा। इसको मैनेज कर देंगे, इसको ढक के हम चिकन को रख देंगे। करीब 500 ग्राम राइस है, 500 ग्राम। इस राइस को हम जी पहले डॉक्टर, से करीब 45 मिनट तक हम भिगा के रख देंगे राइस को अच्छी तरीके से धो के, और जो इसके लिए जो पानी है, हम पानी भी गर्म करके रखे हैं। पानी में हमने पहले से ऑयल डाल रखा है, तो राइस में हम मसाले डालेंगे कुछ। राइस में हमने ऑलरेडी तेल डाल रखा है, तो कुछ खड़े गरम मसाले मैं डाल देता हूँ, जिसमें इलायची वाले जो भी हमने वहाँ डाला था, जस्ट एक एरोमा के लिए हमने डाला है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे राइस, करीब आधे किलो राइस है, इसे हम तेज़ आंच पर पकाएंगे। राइस राइस में केवड़ा गुलाब ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। वैसे हैदराबादी बिरयानी में इसकी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि साउथ वाले जो बिरयानी होती है उसमें कोई ज़्यादा एसेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, तो बेटर है कि आप ना डालें। राइस हमने डाल दिया है, ये अब चिकन है, इसमें थोड़ा सा हम मैरिनेशन करेंगे फिर से दोबारा। तो जो पहले हमने दही वही डाल के मैरिनेट किया था वही है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना, हरी मिर्ची और थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन, ये सारा हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना का पाउडर, जो नॉर्मली लोग नहीं डालते हैं, लेकिन फ्लेवरिंग के लिए मैं बिरयानियों में डालता हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ड्राई मिंट पाउडर आप यूज़ करें, इसके अलावा मैंने फ्रेश मिंट भी डाल रखा है, तो दोनों है। थोड़ी सी आप सैफ्रॉन चाहे तो इसमें डाल सकते हैं अंदर से, पहले से ऊपर से थोड़ा सा डाल दें। तो
ये सारा मिक्स करना है फिर से। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। राइस को करीब 70% हमने कुक कर लिया है, निकाल लिया हमने राइस क्वेश्चन करके। चिकन हमारा मैरिनेटेड है, रेडी है ऑलरेडी। हमने अभी भी गैस फ्लेम ऑन किया है, करीब मीडियम फ्लेम पे आप इसको 10 मिनट तक पकाएंगे डायरेक्टली। कुछ करना नहीं, हमने डायरेक्टली चिकन को दम में, अब दम प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं हम। सो चिकन रेडी है, राइस रेडी है, हम सीधे राइस को इसमें डालेंगे। करीब 60-75% राइस कुक है ये, हमने राइस को सीधे इस पर डाल दिया। राइस को डालने के बाद चिकन हमारा पूरा फुल फ्लेम पे है, हम राइस को थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। गैस आपका 10 मिनट तक फुल फ्लेम होना चाहिए, क्योंकि चिकन के अंदर जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म करना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राइड ओनियन, फ्राइड ओनियन डालेंगे हम जितनी हो सके। हमारे पास जाफरान है, हम जाफरान को थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर कलर के लिए। जाफरान है ये, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये दूध और घी का मिक्सचर बना रखा है मैंने, दूध और घी का मिक्सचर, इसको हम ऊपर से डालेंगे। इसको डालने के फ़ायदे ये हैं कि ये आपका जो राइस है पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम होगा, क्रीमी होगा राइस। सो बिरयानी हमने दम में डालना स्टार्ट किया था, उस समय हमने राइस के साथ क्रीम और दूध का मिक्सचर बना के हमने ऊपर से डाला था। उसके बाद हमने उस पर अल्मोनियम फॉयल लगा दिया था, आप आटा भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हमने ढक्कन मार दिया इसको। शुरू के 10 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे डायरेक्ट इसको हीट किया है, ताकि चिकन का मॉइस्चर जो है पूरी तरह से निकल जाए और राइस के अंदर में वो मीट का जो टेस्ट है वो एब्जर्व हो जाए। उसके बाद हमने करीब 20 मिनट पे तवा पे रख के इसको दम दिया है। अभी ये बिरयानी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, हम इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम बिरयानी को अब सर्व करेंगे। बिरयानी सर्व करने के लिए सिंपल सा है, हमने पीसेस निकाल दिए बिरयानी के, ये देखिए पूरी अच्छी तरह से दम हो चुकी है बिरयानी। इसमें हम थोड़ा सा राइस डालेंगे, राइस डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें फ्राइड ओनियन भी डालेंगे। ये हमारा चिकन है। इसके बाद हम बिरयानी की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं एज इरविज, आप चिकन को ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये चिकन हो गया। इसमें हम अंडे से गार्निश कर सकते हैं, अंडे से आप इससे बिरयानी को अच्छी तरह से सजा सकते हैं। इसके ऊपर हम कुछ धनिया या पुदीना, जो भी हरी मिर्ची, और हम इसके ऊपर में कुछ ड्राई फ्रूट्स हम डाल सकते हैं। सो ये हमारा जो बिरयानी है, ये बिरयानी पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए, हैदराबादी चिकन बिरयानी। आप इसे आसानी से घर से बना सकते हैं और अच्छी तरह से सजा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग शेफ अरुण, थैंक यू।